YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर सरकारी दफ्तरों में बैठी महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा है और ये सवाल किसी और नहीं बल्कि खुद एक सरकारी महिला अफसर ने लगाए हैं। वो अपने साथी कर्मचारी पर यह आरोप आईएएस रानी नागर ने अपने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी पर लगाया है। बता दें कि दोनों ही अफसर हरियाणा सरकार के पशुपालन विभाग में काम करते हैं। रानी नागर ने अपनी आवाज उठाने के लिए फेसबुक का सहारा लिया। अपने पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका शोषण किया जा रहा है। ऑफिस में घंटों उन्हें काम के बहाने रोका जाता है। फिलहाल राज्य महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं अब हमारी रिपोर्ट ने सुनो के गुलाटी से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी सफाई में, आप खुद ही सुन लीजिए। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। अभी महीना भर पहले इनकी मेरे पास पोस्टिंग हुई थी एज एडिशनल चीफ एडिशनल सेक्रेटरी हमारे दफ्तर में, तो हमें तो पता नहीं था। बट फिर हमने जब नेट से देखा कि इनकी थोड़ी बहुत समस्या रही है तो मुझे लगा कि इनको कुछ तनाव होगा, तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि इनका पूरा ध्यान रखना। मैंने दो चार बार बुला करके इनको समझाया कि आप फाइलों में जो ज़रूरत है उसी दिशा में इसको फाइलों को लेके जाया करें। नेचुरली मेरा 34 साल का अनुभव है तो मेरा काम है कि अगर कोई नीचे फ्रेश ऑफिसर आए तो उसको सिखाना भी मेरा काम है, तो मैंने कोशिश की मैं सिखाऊं। बाकी किसी तरह की इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की गई, कोई बुरा नहीं काम किया गया किसी तरह का, और मैं समझता हूं कि ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और सरकार जिस तरह से जाँच कराना चाहे कराए, कोई समस्या नहीं है।